सागर के धारावाहिक रामायण में हनुमान जी की भूमिका निभाने वाले विक्रम मस्ताल शर्मा कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद पहली दफा कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने मृदुभाषी से बातचीत में कांग्रेस पार्टी में अपने भविष्य पर चर्चा की। देखिए भोपाल से जिशान अली की यह खास रिपोर्ट। 2023 विधानसभा चुनाव सर पर, तभी विधानसभा में तमाम तरीके से सरगर्मियां तेज हो गई दोनों ही पार्टियों में। आज हमारे साथ आनंद सागर जी की धारावाहिक रामायण में, जो जिन्होंने हनुमान जी का किरदार निभाया है, विक्रम मस्ताल शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज उससे पहले तकरीबन 5 दिन पूर्व उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और आज पहली दफ़ा पीसीसी मुख्यालय में पधारे हैं। सर, किस तरीके से रणनीति तैयार की है, किस तरीके से प्रभावित हुए कमलनाथ जी से आप, और आपने कांग्रेस पार्टी को ही क्यों चुना? आइफा जब आ रहा था तो कमलनाथ जी उसको ला रहे थे, हम बहुत खुश थे, हमें लग रहा था कोई है जो हमारे बारे में सोच रहा है, खासकर उस कलाकारों के बारे में जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, बड़े बड़े शहरों तक नहीं जा सकते। लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में होता, स्टूडियोज बनते और टूरिज्म को लेकर बहुत सारा काम होता, पर आपको पता आखिर में क्या हो गया। कमलनाथ जी राम पद गमन यात्रा का काम कर रहे थे, उन्होंने काम शुरू कर दिया था। कमलनाथ जी ने, हनुमान जी के भक्त हैं, कमलनाथ जी ने महाकाल लोक के लिए योजना बनाई थी, कमलनाथ जी ने नर्मदा न्यास को लेकर प्रोजेक्ट, ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो धर्म के प्रोजेक्ट हैं और मैं काफ़ी धर्म से जिस माहौल परिवेश में रहा हूँ तो मेरा काफ़ी आकर्षण है, और समाज में फैलती हुई कुरुतियों को देखते हुए मुझे लगा कि एक दल अगर कुरुतियाँ फैला रहा तो मैं दूसरे दल में अपने आप जाना पड़ेगा। आपने अभिनेता करते हुए आपने अच्छा सक्रिय काम किया, अब नेता बन गए हैं, नेतागिरी में भी क्या आप सक्रिय काम करेंगे पार्टी? देखिए, ये तो हनुमान जी की कृपा है, हनुमान जी जो कराएंगे वो मैं करूँगा। अच्छा, कर्नाटक के बाद हनुमान जी का कांग्रेस पार्टी का कहना था कि मध्य प्रदेश आने वाले हैं, क्या वो मध्य प्रदेश के रूप में आप ही हैं, क्या इस बार आपके आने से कांग्रेस पार्टी विजय होगी या सरकार बनाएगी? देखिए, जहां सत्य होता है, जनता का मान सम्मान होता है, यहां धर्म होता है और जहां विकास होता है, वहां हनुमान जी होते ही होते हैं। मेरा आखिरी सवाल, बुधनी विधानसभा से आप आते हैं, क्या आने वाले समय में अगर पार्टी आपको टिकट देगी कि आप वहां से चुनाव लड़ेंगे शिवराज जी के सामने? पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी मैं वो कार्य करूंगा, और सामने क्या, वो तो जनता का विषय है, जनता जिसको चाहेगी उसको सरताज पहना देगी, जिसको चाहेगी रोड पे ला देगी, तो जनता का विषय है। अभी एक देखना काफ़ी दिलचस्प होगा आगामी विधानसभा चुनावों में, क्या विक्रम बुधनी विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं या नहीं, क्या कर्नाटक के बाद हनुमान जी मध्य प्रदेश में आकर कांग्रेस की सरकार बनाते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट ओवेस के साथ जीशान अली, मृदुभाषी, भोपाल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।